तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन। आप लोग के सामने कह रहे हैं कि पारा शिक्षक अल्प मानदेय भोगी जरूर है, लेकिन सरकारी चाय और पकौड़ा कुछ नहीं। हम अपने पानी और अपने मेहनत पर आंदोलन जारी रखें और जारी रहेगा। अभी क्या अभी नीला यादव किससे बात हुई? नहीं, अभी हम लोगों के बीच 5 माननीय मंत्री और करीब लगभग 6 विधायक जी बैठे हुए थे सत्ताधारी। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही थी उन चर्चाओं पर हमने अपना पक्ष रखा कि किस तरह से हमारा मान वेतनमान मिलेगा, इन बातों को उनके बीच रखे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसका मॉडल तैयार करके हमारे बीच लाइए, हम लोग इसके लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करें। अनौपचारिक बैठक थी, कोई आधिकारिक कोई नहीं थी। और आज फिर जो आपके बीच हम बोले थे कि अगर वार्ता होगी तो जब तक विधिवत पत्र नहीं मिलेगी हम लोग वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। तो ये वार्ता को किस तरह से, ये एक सिर्फ मैंने सत्ताधारी लोग के 5 मंत्री और अन्य विधायक थे, ये जानना चाहते थे कि आप लोग किस तरह का मांग प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम लोगों को साधु चरण महतो जी बुलाए थे, उस बीच में रणधीर सिंह थे, अमर बावरी साहब थे, सीपी सिंह साहब थे और अन्य विधायक लोग उपस्थित जी। यहाँ साधु चरण महतो के द्वारा ही सिर्फ हम लोगों को बुलाया गया था कुछ विधायकों के बीच आप लोगों को बात करने के लिए। हम अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों को बुलाया। संजय जी, एक सवाल, नीरा जी से कोई बात हुई कि नहीं और क्या उन्होंने आपको बुलाया? क्योंकि अभी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा मैं रात के 12 बजे तक प्रोजेक्ट में आपके आने का इंतजार कर रहा। नहीं, इंतजार नहीं, हम आप वही बात को फिर अभी रख रहे हैं कि जब तक माननीय मंत्री के द्वारा कोई पत्र विधिवत जारी नहीं होगी एकीकृत संघर्ष मोर्चा वार्ता के लिए नहीं जाएगा। तो अभी जो आप लोग गए उसको उसका क्या लेवल हुआ, नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ एक अनौपचारिक बैठक थी, सत्ताधारी दल के विधायक और माननीय मंत्री लोग हम लोगों की बातों को जानना चाहते थे कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल आपने मांगा है ये किस तरह से आप मांग रहे हैं, जबकि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि ये मॉडल लाने के बाद 50,000 लोग छटेंगे। लेकिन मंत्री से वार्ता नहीं हुई विधायक थे, सिर्फ सरकार के लोग। चलिए अब क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन हमारी जारी है और जब तक हम लोग जो रणनीति तय की है अगर उसके तहत वार्ता नहीं होती तो आंदोलन चलती रहे। मतलब मुख्यमंत्री के बिना आप लोग बातचीत नहीं करेंगे? ये अब ये लोग तय करें, अभी हम लोग इसकी बात को कल रखेंगे इन लोगों के बीच। साधु चरण महतो जी फिर कल बुलाए हैं, उसके बाद जैसा होगा आप हम लोगों को सूचना देंगे। अभी जाएंगे क्या नीरा यादव जी के यहाँ 12 बजे? नहीं, विधिवत नीरा यादव यहाँ जाना आना अलग बात है, वो व्यक्तिगत आ जा सकते हैं, लेकिन जब तक अगर ये वार्ता की जहाँ तक बात है जब तक विधिवत पत्र जारी नहीं होगी एकीकृत संघर्ष मोर्चा वार्ता में नहीं जाएगा। हो गया भाई, आप एक मिनट, नहीं, एक ही लाइन में हो गया ना, जब तक लेटर जारी नहीं।